और ये जो पिंडदान होता है ना यहाँ पे, ये सिर्फ फाल्गु नदी के किनारे ही होता है। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो देख सकते हो आज का व्लॉग का शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ गैलोर गाँव से। और इसके पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने पूरा गैलोर गाँव अच्छे से घुमाया। दशरथ मांझी का ये गांव था, ये दशरथ मांझी ने ये पहाड़ को 22 सालों में काटा था, वो भी छेनी और हथौड़ी से। तो इसके पहले वाला व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस व्लॉग को देखने के बाद आप लोग पहला वाला व्लॉग भी देख लेना, तो जिसके बारे में पूरा डिटेल में बताएं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बोध गया के लिए, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लगभग आप लोग बोल सकते हैं 25 किलोमीटर लगेगा। और अभी हम लोग गैलोर गांव विजिट करके निकल रहे बोध गया के लिए। वहाँ पर हम लोग को विष्णुपद टेम्पल भी विजिट करना है और उसके बाद मंगला गौरी देवी भी टेम्पल विजिट करना है। तो चलो चलते हैं बोध गया, पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, सो अभी हम लोग आ चुके हैं फाल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णु जी का टेम्पल विजिट करने के लिए, जिसका नाम है विष्णुपद टेम्पल। और ये जो टेम्पल है वो भगवान विष्णु का है, और यहाँ पर आप लोग भगवान विष्णु के चरण पादुका का दर्शन करते हो। तो हम लोग गैलोर में थे, गैलोर से अभी हम लोग आ चुके हैं विष्णुपद सबसे पहला मंदिर विजिट करने के लिए। और यहाँ की बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारी मान्यता है, तो फटाफट से आपको चल के पहले मंदिर दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद यहाँ की बहुत हिस्ट्री है वो थोड़ा से बैठ कर आपको अच्छे तरह से डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे पिंडदान भी होता है, वो सब भी है, चल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं विष्णुपद टेम्पल में, विजिट करते हैं विष्णु जी के चरण पादुका का, यहाँ पर आप लोग दर्शन करते हो। तो चलो फटाफट से जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बाहर आके आप लोग को डिटेल में बताते हैं। मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर आपको इस तरह से दुकान मिल जाएगा जहाँ से आप लोग जो है फूल वूल ले सकते हो यहाँ से। और बगल में यहाँ पर मोबाइल हाउस है जहाँ पर आपको अपना मोबाइल जो है सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है वो मोबाइल अलाउ नहीं है। तो यहाँ से आप लोग को दर्शन करवा देते हैं। ये देखो यहाँ से अंदर एंट्रेंस है, बट मोबाइल जो है वो अंदर नहीं लेके जा सकते, यहाँ पर जमा करवाते हैं और अंदर जाके विजिट करके फिर आप लोग से मिलते हैं। सो अभी हम लोग अंदर मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो ये है देव घाट, और जहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर पिंड दान करने के लिए। और अभी अंदर में जो था मोबाइल अलाउ नहीं था, तो अंदर में काफ़ी अच्छा से हम लोग का दर्शन हुआ। अंदर में आप लोग भगवान विष्णु के चरण पादुका का दर्शन करते हैं, और उस चरण पादुका जो 40 फीट उनका जो फुटप्रिंट है अंदर में पूरा अच्छे तरह से दिखता है। तो काफ़ी बढ़िया से हम लोग का अंदर में दर्शन हो गया। और मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हैं ये फाल्गु नदी, जहाँ पर लोग आते हैं पिंड दान करने के लिए, विष्णुपद टेम्पल में विजिट करते हैं, वहाँ से फिर आते हैं यहाँ पर पिंड दान करने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल बता देते हैं यहाँ पे क्या यहाँ का मान्यता है और क्या यहाँ का हिस्ट्री है। अभी हम लोग आ चुके हैं गया धाम, जिसको गया पिंड दान के नाम से भी जाना जाता है, और हर साल देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं अपना पिंड दान करने के लिए। और ये जो पिंड दान होता है ना यहाँ पे, ये सिर्फ फाल्गु नदी के किनारे ही होता है, क्योंकि ये मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे महाराजा दशरथ का पिंड दान करने के लिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जंगल में गए थे लकड़ी लाने, और तभी माता सीता को दशरथ ने ये आदेश दिया कि मेरा जल्द से जल्द पिंड दान कर दिया जाए। तभी माता सीता ने पिंड दान दशरथ का कर दिया बिना राम जी और लक्ष्मण के। और जब राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए और उन्होंने प्रूफ मांगा माता सीता से कि कैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पर पिंडदान हो गया, तभी माता सीता ने 5 लोगों से पूछा, और 5 जन जो थे, 5ों में से 4 लोग जो थे वो झूठ बोल दिए थे। तो सबसे पहले फाल्गु नदी से ही पूछा गया था कि फाल्गु नदी ने भी मना कर दिया। सेकेंड जो पूछा गया था ब्राह्मण से पूछा गया था, ब्राह्मण ने भी मना कर दिया। तीसरा जो तुलसी माता से पूछा गया था, तुलसी माता ने भी मना कर दिया। चौथा गौ माता से भी पूछा, वो भी मना कर दिया। सिर्फ एक अशोक वाटिका यहाँ पर एक पेड़ है, उसने ही सिर्फ हाँ बोला और वो अमर हो गए। ने 4 लोगों को श्राप दिया। सबसे पहले फाल्गु नदी, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, ये फाल्गु नदी को ये श्राप मिला कि हमेशा इसमें पानी भरा रहेगा, लेकिन फिर भी ये कमी ऐसा लगेगा, और नदी जैसे बहता है ना एक फ्लो में, वो कभी नहीं होगा, हमेशा सूखा ही पड़ा रहेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंड ब्राह्मण को ये श्राप मिला कि जितना भी जजमान उनको दे देंगे फिर भी उनको कमी ही रहेगा। और तीसरा जो गौ माता को ये श्राप मिला कि उसको हमेशा कचड़ा और कूड़ा और दूसरे का जूठा ही खाने को मिलेगा। और जो अश्वव्रत जो था, जो सच बोले थे, उनको माता सीता ने अमर कर दिया, और आज तक अभी भी वो पेड़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर अमर हो गया ये पेड़, यहाँ पर पूरा अश्वव्रत। अभी आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत ज़रूरी था, ये लोगों को पता नहीं है कि लोग आते हैं यहाँ पर फिर भी उनको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि यहाँ पर किस लिए यहाँ गया में ही ये पिंडदान क्यों होता है। तो ये कुछ रीज़न था, ये कुछ हिस्ट्री था यहाँ पे, जिसके वजह से लोग यहाँ पर आते हैं पिंडदान करने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन दो था हम अलग अलग सोर्सेज से निकाल के लिख कर लेकर आए थे आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हिस्ट्री है और आप लोग को जानना ये ज़रूरी है कि क्यों गया में ही पिंडदान किया जाता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों गया में पिंडदान किया जाता है। पहले सबको पता है कि गया में पिंडदान होता है, लेकिन
रीज़न नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता कि क्यों यहीं पे होता है। तो आज हिस्ट्री आप लोग को पता चल गया होगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सेकंड मंदिर विजिट करने के लिए, माँ मंगला गौरी देवी टेम्पल। अभी हम लोग यहाँ पे विजिट कर लिए, फाल्गु नदी मेरे पीछे है और विष्णुपद मंदिर भी हम लोगों ने विजिट कर लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं सेकंड मंदिर विजिट करने के लिए जो है माँ मंगला गौरी देवी टेम्पल। तो चलो वहाँ पहुँचते, फिर आप लोग से मिलते हैं। गया धाम विजिट करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं माँ मंगला गौरी देवी टेम्पल के पास में। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ ये मान्यता है कि गया में जो लोग भी आते हैं ना मंगला गौरी देवी का जरूर दर्शन करते हैं। तो चलो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। एकदम फांका है, एकदम शाम का भी टाइम है, 6 बज रहा है। तो चलो फटाफट से दर्शन करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ से आप लोग दर्शन कर लो, अंदर में जो है कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं तक आप लोग को दिखाते रहे। यही बगल में मंदिर है, यहीं से आप लोग दर्शन कर लो। राइट दोस्तों, सो अभी हम लोग ने अंदर से दर्शन कर लिया और काफ़ी अच्छा से हम लोग का दर्शन हुआ। अंदर में पूरा एकदम अंधेरा ऐसा है और सिर्फ एक दीप ही जल रहा है अंदर में, वो दीप का आप लोग पूरा दर्शन करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को दर्शन करके और एकदम फांका था शाम के टाइम में। अभी हम लोग आए 6:30 बज रहा है, बढ़िया से दर्शन हो गया हम लोग का। आप लोग आते हो तो ज़रूर से यहाँ पे आप लोग मंगला गौरी देवी टेम्पल ज़रूर विजिट करना। और राइट दोस्तों, सो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गया, और गया आए और यहाँ का ना बहुत ही वर्ल्ड फेमस, यहाँ का तिलकुट और अनरसा बहुत ही फेमस है यहाँ का, और गया आए हैं तो ये दोनों चीज़ जो लेना है भाई मैंडेटरी है। तो अभी मेरे को कल एक लोकल शॉप में हम लोग गए थे तो वहाँ पे हम लोग ट्राई किए थे अनरसा, जो कि चावल का आटा में पूरा मावा पूरा रहता है, उसको फ्राई किया जाता है, तिल लगा रहता है, वो भी भाई बहुत गजब लगा था। और एक तिलकुट भी है वो भी गुड़ वाला, जो कि बहुत फेमस है लोकल। अभी रिसर्च किया, अभी पता चला है कि यहाँ पर बहुत ही फेमस एक शॉप है श्री राम तिलकुट भंडार बोलकर, बहुत ही अच्छा वहाँ पर मिलता है अनरसा और तिलकुट। तो अभी हम लोग वही लेने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से बनता है। तो चलो चलते हैं वहाँ पहुँच के, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्री राम तिलकुट भंडार के पास में। यहाँ अब बहुत ही फेमस यहाँ का जो है तिलकुट मिलता है यहाँ पे, और एक फेमस यहाँ पे चीज़ मिलता है, ये है अनरसा। तो ये भी हम लोग कल ट्राई किए थे, ये भी बहुत अच्छा लगा था, तो आज पैक करवाएंगे हम लोग। और जो गुड़ वाला तिलकुट है वो भी कैसे बनता है अंदर आप लोग को दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पर तिलकुट ऐसे बन के रेडी हो चुका है, और ये गुड़ वाला है कि चीनी वाला है? गुड़ वाला है, गुड़ वाला है ना। ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसे तिल रहता है जिसको यहाँ पे ऐसे कूटा जाता है, इस पे है ना, इसी पे कूटा जाता है ना, बस ऐसे कट कूट कूट के ऐसे बन जाता है। और एक तो अनरसा भी है ना, वो किससे बनता है, वो कैसे? तिल पहले पिट्ठी मराता है, पहले चाशनी बनावा जाता है चीनी का, हाँ, इन चावल का इसको घोरा हुआ जब भुनाता है 1 घंटा के बाद, ठंडाइला के बाद 12 घंटा के बाद फिर अनरसा तिल में लटकाता है, फिर जाता है ठंडा फ्राई होता है उसके बाद ना। तो चलो भाई लेते हैं, ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर पैक भी हम लोग कराएंगे। तो ये अभी फ्राई होके जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये अनरसा है जो भी भैया बता रहे थे, ये भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगा था मेरे को, ये पूरा मावा रहता है अंदर और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो पूछते हैं कैसे करके अनरसा, कैसे करके? 300 रुपये किलो। और गुड़ वाला तिलकुट 340 रुपये किलो है ना, ये 320 रुपये किलो है, और गुड़ वाला जो तिलकुट है वो है 340 रुपये किलो ही है। तो चलो पैक करवाते हैं, फिर आप लोगों को दिख मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे गुड़ वाला तिलकुट जो है वो ले लिए 500 ग्राम 340 रुपये किलो है। यहाँ पे अपना पैक हो रहा है गुड़ वाला तिलकुट, ये देखो यहाँ पे अपना पैक हो गया, अनरसा भी 500 ग्राम और गुड़ वाला तिलकुट भी 500 ग्राम। राइट दोस्तों, सो आज अपना गया में लास्ट डे है और ऐसा हो नहीं सकता है कि संजू ढाबा का भाई हांडी चिकन ट्राई किए बिना हम लोग जाएं। और अभी हम लोग आ चुके हैं संजू का ढाबा में भाई, फिर से हांडी चिकन ट्राई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग यहाँ का हांडी चिकन ट्राई किए थे भाई, ये बहुत ही फेमस है यहाँ का, रोटी से ट्राई किए थे, आज हम लोग राइस से ट्राई करने वाले। ये क्या हो रहा है भैया? चिकन है, वाह
अरे भाई उस दिन हम लोग आए थे खाने, बहुत बढ़िया लगा था। तो चलो भाई आज अपना लास्ट डे है गया में, तो इसको ट्राई करके ही हम लोग जाएंगे, है ना। तो चलो भाई लेते हैं अपना प्लेटिंग में। ये क्या देसी वाला है क्या? देसी ख़त्म हो गया आज, और संडे ऐसे ही ख़त्म हो गया ना। चलो ये अभी बन रहा है गर्मा गर्म, प्लेट में लेते हैं और चावल से आज हम लोग ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे भाई कैसा। ये देखो किस तरह से ये जो नीचे कोयला जल रहा है और धीरे आँच में इसको बनता है, ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि धीरे धीरे आँच पे बनता है, तो एकदम मिट्टी वाला फ्लेवर आया था। तो चलो फटाफट लेते हैं प्लेट में और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर गए संजू का ढाबा के अंदर, और ये देखो भाई ढाबा नहीं ये रेस्टोरेंट है भाई, पूरा फुल्ली पैक। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ले लिया ये जिंदा मछली, जो कि आपको 320 रुपये किलो और 50 रुपये में आपको दो पीस ये मिलता है। तो भाई अभी हम लोगों ने ये फ़िश फ्राई को ट्राई किया भाई, इतना गर्मा गर्म ये फ़िश फ्राई और खाने में इतना स्वादिष्ट और इतना फ्रेश लग रहा है ना, क्या बताएं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 250 ग्राम चिकन, और यहाँ पर चावल, जो चिकन आप लोग देख रहे हो इसमें 5 से 6 पीस आपको मिलता है और 100 रुपीज़ इसका प्राइस है, और राइस का जो प्राइस है वो है 30 रुपीज़। भाई घर का ऐसा खाना लग रहा है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली अभी हम लोग बोर्ड कर चुके हैं अजमेर शियालदा में, और आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं गया से शियालदा। उसका आपको ब्लॉग मिलेगा प्रॉपर, अभी ट्रेन ब्लॉग अभी बन रहा है, तो कल वाला ब्लॉग जो था हम लोग एंड नहीं कर पाए थे, तो चलो उस वाले ब्लॉग को भी हम लोग एंड कर दे। मैं आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गए थे विष्णुपट टेम्पल, उसके बाद हम लोग गए थे माँ मंगला गौरी देवी टेम्पल, और जितना भी लोकल टूर था गया में वो हम लोगों ने किया। और होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।